हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं अजयवत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज की जो ये हमारी क्लास है, आज की हमारी जो क्लास रहेगी उसका जो टॉपिक होगा वो होगा रेनबो फॉर्मेशन। ये एक नेचुरल फिनोमिना है और इसको हम हमारी 10th फिजिक्स का जो एक ये टॉपिक रहने वाला है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इससे पहले का जो टॉपिक था ये कहें कि भाई जो रेनबो की फॉर्मेशन हुई है वो 7 कलर्स हमें डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देते हैं। सेम यही काम हम जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था थ्रू प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म के थ्रू, वहाँ पर भी हमने देखा था। तो जिन स्टूडेंट्स ने उस लेक्चर को नहीं देखा है अभी तक, वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस लेक्चर को देख लेंगे, या नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है आपको उस लेक्चर का लिंक भी अवेलेबल होगा, और साथ ही 10th क्लास की जो फिजिक्स की प्लेलिस्ट है आपको उसका लिंक भी नीचे आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से जाकर के भी उस लेक्चर को जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। उस लेक्चर को देखने के बाद आप इस फिनोमिना को इजीली समझ पाएंगे कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो कहां से हुई है और कैसे हम इसको ऑब्जर्व कर पा रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जब भी बारिश होती है तो बारिश के जस्ट इमीडिएट बाद या फिर ड्यूरिंग रेन, ठीक है, तो इन दो कंडीशंस के अंदर ही हम क्या देख पाते हैं, रेनबो की फॉर्मेशन देख पाते हैं, ठीक है। और साथ ही रेनबो क्या था, एक इंद्रधनुष जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो एक धनुषाकार के अंदर जो है, एक शेप के अंदर जो है, कर्व्ड शेप के अंदर जो है हमें क्या दिखाई देता है, 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की फॉर्मेशन जो है वो दिखाई देती है, ठीक है। तो उसी चीज के बारे में उसकी डेफिनेशन प्रॉपर जो है वो क्या है, रेनबो इज ए स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ बोज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन रेनड्रॉप्स। यानी कि क्योंकि बारिश के दौरान या बारिश के तुरंत बाद ही हम उस चीज को ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रेनड्रॉप्स जो थी आपकी, जो छोटे छोटे कण थे, वाटर ड्रॉपलेट्स जो थी वहां पर बारिश के जो कण थे, तो वो वहां पर क्या काम करते हैं, वो एक छोटे से प्रिज्म का काम करते हैं, और ऐसे बहुत सारे प्रिज्म्स जो हैं वहां पर उस टाइम पर अवेलेबल होते हैं। और जैसे ही प्रिज्म के ऊपर लाइट को डाला जाता है, व्हाइट लाइट, यानी कि सनलाइट जो हमारे पास एक अच्छा एग्जाम्पल है सन व्हाइट लाइट का, तो जैसे ही वो व्हाइट लाइट आकर के उस प्रिज्म पर गिरती है तो वहां पर क्या होता था, डिस्पर्शन टेक प्लेस करता था। जैसे ही हम किसी व्हाइट लाइट या सनलाइट को किसी प्रिज्म के ऊपर जो है ड्रॉ करते हैं, यही कहें कि इंसिडेंट करवाते हैं, तो वहां पर आपके पास क्या चीज निकल करके आती थी, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट होता था। और डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या था वो आप पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो वहां से हमारे पास क्या चीज निकल करके आई थी, डिस्पर्शन। डिस्पर्शन ऑफ कहते हैं हम उस चीज को जब आपकी व्हाइट लाइट डिफरेंट इसके जो कंपोनेंट जो कलर्स थे उनके अंदर स्प्लिट कर जाए, तो उसी फिनोमिना को हमने क्या कहा था, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो वो सारी चीजें ऑलरेडी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा से उस टॉपिक को मैं यहाँ स्टार्ट नहीं करूंगा। मेन बात यही है कि जब सनलाइट इन रेनड्रॉप्स के ऊपर फॉल होती है, उनके ऊपर गिरती है, तो वो सनलाइट जो है वो क्या हो जाती है, डिस्पर्स कर जाती है, या ये कहें कि स्पेक्ट्रम बनाती है। स्पेक्ट्रम भी एक इसी ये कहें कि जो ग्रुप ऑफ कलर्स की जो लाइट निकल करके आई थी डिस्पर्शन फिनोमिना के थ्रू, तो उसी ग्रुप को, उसी जो ग्रुप ऑफ लाइट्स को जो है क्या कहा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास स्पेक्ट्रम होगा। स्पेक्ट्रम क्या था, ग्रुप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट कलर्स लाइट, ठीक है। तो ये अलग अलग कलर की जो लाइट थी उनके ग्रुप को हमने क्या कहा था, स्पेक्ट्रम कहा था। तो ये आपके पास ये जो ग्रुप बना है, या ये कहें कि ये जो स्पेक्ट्रम आया है, ये किसकी फॉर्म के अंदर आएगा, ये हमारा बोज की फॉर्म के अंदर आएगा। यानी कि ये धनुषाकार जो होती है, धनुषाकार जो आकृति है, शेप है, उसकी फॉर्म के अंदर जो है ये निकल करके आता है। और क्योंकि रेनबो क्या है, रेन के कारण एक बो मिला है, एक धनुष मिला है, यानी कि रेन की वजह से आपके पास जो सनलाइट थी उसकी फॉर्मेशन जो है वो बोज में चली गई है और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई दिए। इसलिए इस पूरे फिनोमिना का, या इसलिए इस चीज का जो नाम दिया गया वो क्या है, रेनबो है, ठीक है। तो उसके बाद इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस भी होंगी दो चार, ठीक है। तो वो कंडीशंस क्या होंगी, पहला तो ये कि भाई आपके पास सनलाइट होनी चाहिए,
ठीक है जी। दूसरा क्या, दूसरा ये कि भाई आपके पास वाटर ड्रॉपलेट्स भी होनी चाहिए, क्योंकि रेन ड्रॉप्स की मदद से ही, और जब सनलाइट जो है आपकी रेन ड्रॉप्स के ऊपर फॉल करती है, गिरती है, तभी तो हमें क्या मिला था, रेनबो की फॉर्मेशन हमारे पास होकर के आई थी। तो ये दो चीजें तो आपके लिए कंपलसरी हो गई, ठीक है। तो अब रेन ड्रॉप्स कब मिलती हैं हमारे स्काई के अंदर, या तो ड्यूरिंग रेन या फिर इमीडिएट आफ्टर रेन, यानी कि रेन होने के जस्ट बाद जो है आपको दिखाई देता है हमें इंद्रधनुष या रेनबो की फॉर्मेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेन्स जो थी या रेन ड्रॉप्स जो थी वो कहाँ पर अवेलेबल थी, इमीडिएट आफ्टर रेन जो है वो वहां पर अवेलेबल थी, ठीक है। तो आप इस फिनोमेना को समझते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा था। कंडीशंस देख लेते हैं एक बार, कंडीशन क्या थी, सन मस्ट बी बिहाइंड द बैक ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी कि जिस साइड ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है जहां खड़ा होकर के, उसके पीछे से व्हाइट लाइट आए, प्रिज्म पर टकराए और फिर उसके बाद हमें दिखाई दे, ठीक है। तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी ये कंडीशन जब हम इस डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो था आपके पास वो क्या था, रेनबो कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग रेन एंड इमीडिएट आफ्टर रेन, ठीक है। तो इमीडिएट आफ्टर रेन जो है आपको पता ही है कि वाटर ड्रॉपलेट्स अवेलेबल होंगी और उन्हीं की वजह से हम इसको देख पाएंगे, ठीक है। अब समझते हैं इसके डायग्राम को और फिनोमिना को कि एक्चुअल में रेनबो की फॉर्मेशन किस प्रकार से हुई थी, ठीक है। तो ये जो है दो तरह का रिफ्रैक्शन जो है वो होता है और बीच में एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये इसका बिल्कुल बेसिक सा कहें या इसका एक तरह से ये कहें कि गुरुमंत्र, ठीक है। इसको याद रखने का जो तरीका है, दो तरह के रिफ्रैक्शन के बीच में आपके पास टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन है वो टेक प्लेस करता है, ठीक है। अब आते हैं हमारे डायग्राम पर और फिनोमिना के हैपनिंग पर कि फिनोमिना हैपन कैसे हुआ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये क्या थी, रेन की जो ड्रॉपलेट है वो है आपके पास, ये क्या है आपके पास, ये हमारे पास रेन ड्रॉप, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, रेन ड्रॉप थी और इस रेन ड्रॉप के ऊपर हमारी सनलाइट जो है आकर के टकराई, ठीक है जी। वो इंसिडेंट हुई, सनलाइट जैसे ही हमारी रेन की सरफेस पर आकर के टकराएगी तो क्या होगा, मीडियम चेंज हुआ। बाहर मीडियम कैसा था, रेयरर, अंदर मीडियम कैसा है, डेंसर। तो ये जो ले जो भी आपके पास लाइट आई थी निकल करके या रे ऑफ लाइट थी जो, वो क्या कर जाएगी, वो रिफ्रैक्ट हुई और रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, अपने पाथ से डेविएट हुई, डेविएट होकर के वो बैंड कर गई और अपने जो एक्चुअल पाथ था उसको उसने छोड़ दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो हुआ, तो यहां पर साथ में देखो आप लोगों को पता है कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट है, ये वाटर ड्रॉपलेट किस तरह से बिहेव कर रही है, एक प्रिज्म की तरह बिहेव कर रही है। और जो पिछली जो क्लास थी जिसमें हमने डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म पढ़ा था, वहां पर हमने देखा था जैसे ही ये फर्स्ट जो रिफ्रैक्शन हुआ था, ये रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करेगा तो जो हमारी लाइट थी, जो व्हाइट लाइट थी या सनलाइट थी, वो क्या कर जाती है, वो डिस्पर्स कर जाती है। तो डिस्पर्शन हुआ तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पर यहां पर क्या क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है और साथ में ही क्या हुआ है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी हुआ है, डिस्पर्शन, ठीक है। तो यहां पर डिस्पर्शन फिनोमिना भी हुआ, तो इस डिस्पर्शन की वजह से ये जो लाइट थी हमारी व्हाइट लाइट, वो 7 अलग अलग कलर्स के अंदर क्या कर गई, स्प्लिट कर गई, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, ये आकर के इसके सामने आगे चली और चलने के बाद ये यहां से मीडियम से जो है, इस सेकंड जो ये मीडियम था, डेंसर जो मीडियम था, इससे बाहर नहीं निकली, ठीक है। क्योंकि बाहर क्या था भाई, एक तरह से ये कहें कि एटमॉस्फेयर के अंदर थी, स्पेस के अंदर थी, तो बाहर पार्टिकल्स दूर दूर थे और रेन वाटर के अंदर जो है वो क्या था, डेंसिटी ज्यादा थी मोलिक्यूल्स की या पार्टिकल्स की। तो उस वजह से यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमारे पास डेंसर मीडियम हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, ये लाइट जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन आगे चली, आगे चलने के बाद जब ये जिस सरफेस पर टकराई, जहां से जाकर के रेन ड्रॉप के जिस पोर्शन पर ये टकराई, तो वो इस तरह से टकराई कि उसने हमारी उस सरफेस के साथ एक क्रिटिकल एंगल की फॉर्मेशन की। और इस क्रिटिकल एंगल से मतलब क्या है कि जब किसी सरफेस के साथ में
लाइट नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बट फिर भी वहां पर जाने के बाद वो जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाए, यानी कि यहां पर आने के बाद में जो इंसिडेंट जो रही थी वो इस तरह से टकराई, इस एंगल से टकराई कि उसके अंदर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस ना करने के बजाय वहां पर क्या टेक प्लेस कर जाए, वहां पर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस कर जाए। रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, बात समझ रहे हो, रिफ्लेक्शन हुआ है। और क्योंकि अंदर की अंदर ही सारा काम हो गया, ये रिफ्लेक्शन सारा का सारा कंप्लीटली इस रेनड्रॉप के अंदर ही हुआ है, तो इसलिए इसका नाम क्या दिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है इसका नाम, इस फिनोमिना का नाम, या यहां पर जो भी काम हुआ था उसका नाम हमने दिया, ठीक है। तो जितनी लाइट ये यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद चल करके आई थी वो सारी की सारी क्या कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई, और इसी का नाम हमने क्या दिया, TIR, शॉर्ट फॉर्म TIR, टी फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन हुआ, अब ये यहां से सेम मीडियम के अंदर ही रिफ्लेक्ट बैक हो गई, और उसके बाद ये किसी और जगह से, यानी कि किसी और, एक तरह से कहें कि इस रेन जो ड्रॉप थी, इस ड्रॉप के किसी एक अदर पोर्शन के थ्रू जो है वो क्या हो गई, फिर से यहां पर आई और यहां टकरा करके वो क्या कर गई, रिफ्रैक्शन जो है वहां पर टेक प्लेस हुआ। और उस रिफ्रैक्शन के लिए, अब क्योंकि अंदर मीडियम डेंसर था, बाहर मीडियम रेरर है, तो डेंसर से रेरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, इसको जाना कहां चाहिए था, ये सीधा आना चाहिए था, बट ये थोड़ा सा बैंड करके इसके पाथ के अंदर रिफ्रैक्शन हुआ है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट हुई है, बेंडिंग हुआ तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा नीचे की तरफ जो है दिखाई देती है। और यहाँ हमारे पास कौन था, हमारा ऑब्जर्वर था, ऑब्जर्वर मतलब कि हम खुद खड़े होकर के आसमान से जो रेनबो की जो फॉर्मेशन हुई थी उसको नोटिस कर पा रहे थे, तो यहाँ पर हमें ऑब्जर्व कर पाते हैं, ये ऑब्जर्वर जो है इस रेनबो को जो है ऑब्जर्व कर पा रहा है, ठीक है। और क्योंकि कलर्स का ऑर्डर आप लोग ऑलरेडी हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं डिस्पर्शन के अंदर, फिर से वही बता देता हूं, इसको याद करने का जो तरीका था, इसके कलर्स का ऑर्डर जो था आपका वो क्या था, विबिग्योर एक्रोनिम हमने पढ़ा था, इस एक्रोनिम की जो एक तरह से कहें कि इस एक्रोनिम की जो फॉर्मेशन हुई है वो इन सभी कलर्स की, जो सेवन डिफरेंट डिफरेंट जो कलर्स थे उनके फर्स्ट जो लेटर्स थे उन्हीं से हमने की थी, वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, फिर उसके बाद वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो सेवन कलर्स थे सेम ऑर्डर के अंदर वो कलर्स जो है वो अवेलेबल होंगे, और इसी वजह से उन्हीं सेवन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता था, हमारा रेनबो भी जो है वो फॉर्म होता है, उसकी फॉर्मेशन भी टेक प्लेस करती है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, फिर से थोड़ा सा इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ, क्विक रिवाइज करवा देता हूँ। पहले हमारे पास क्या था, सनलाइट थी, सनलाइट हमारी रेनड्रॉप की सरफेस पर इंसिडेंट हुई, जैसे ही वो उस पर इंसिडेंट हुई तो वहां पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस हुआ, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस होने के बाद साथ में क्या हुआ, डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी हुआ, और डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बाद में क्या चीज निकल करके आई हमारे पास, कि वहां पर वो एक क्रिटिकल एंगल बनाते हुए उस रेन की इनर जो सरफेस थी उसके साथ टकराई, और वहां पर कंप्लीटली या यूं कहेंगे टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो टेक प्लेस किया, और उस वजह से वहां से आपकी जो ये रे थी, ये जो बैंड था V से लेकर के R तक का जो अलग अलग नंबर ऑफ रेज थी, या यूं कहेंगे अलग अलग कलर्स की जो रेज थी, वो निकल करके वहां से रिफ्लेक्ट होकर के किसी अनदर पोर्शन से जो है हमारे रेन ड्रॉप के निकल करके आएंगी बाहर, और वहां पर क्योंकि अंदर मीडियम डेंसर था बाहर मीडियम रेरर था, तो इसलिए वो क्या कर जाएंगी, फिर से रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन होने की वजह से वो ओरिजिनल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएंगी, और उसके बाद हमें नीचे की तरफ जो है, नीचे खड़े ऑब्जर्वर को जो है वो नीचे दिखाई देती है, ठीक है। तो ये था आपका रेनबो, साथ में मैंने इसको लिख भी दिया है, अगर आप लोगों को लिखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप इसको लिख सकते हैं, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्क्रीन से आउट हो जाता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको मैं पढ़ देता हूँ एक बार, जिससे कि आपको राइटिंग को समझने में कोई दिक्कत ना आए। A rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower, यानी कि बारिश होने के तुरंत बाद जो है आपको रेन शावर के बाद में जो है हमारे पास इस रेनबो की ये जो नेचुरल जो फिनोमेना था या नेचुरल जो स्पेक्ट्रम था उसकी फॉर्मेशन हमें दिखाई देती है हमारी स्काई के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद इट इज कॉज्ड बाई डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाई टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स,
ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो वाटर ड्रोपलेट्स थी आपके पास, टाइनी वाटर ड्रोपलेट्स जो थी, उनकी वजह से जो है डिस्पर्शन टेक प्लेस किया, और उसके बाद क्या हुआ, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर जो पानी की छोटी छोटी बूंदे थी, टाइनी जो ड्रोपलेट्स थी, वो कहाँ पर प्रेजेंट थी, वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो है जो ऑलरेडी प्रेजेंट थी। ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। ये जो फिनोमिना है ये क्यों कॉमन है, एक तरह से कहेंगे कंपल्सरी हो जाता है, या ये कंडीशन में भी हमने लिखा, सन मस्ट बी बिहाइंड द बैक ऑफ द ऑब्जर्वर। जैसे ही लाइट आई, जहां यहां पर हम खड़े हैं, यहां पर खड़े होकर के ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो सनलाइट कहां से आएगी, पीछे से आएगी, आएगी फिर टकराएगी, और जब जाकर के अंदर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और फिर निकल करके आएगी, तब जाकर के ऑब्जर्वर को दिखेगी। अब ये तो है नहीं, अगर हम इस ऑब्जर्वर को यहां पर ही खड़ा कर दें, ठीक है, यानी कि आपका सन जो है वो सामने है, बीच में वाटर ड्रोपलेट है, और आप इस तरफ खड़े होकर के क्या करें, उसको ऑब्जर्व करें, तो नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि सनलाइट यहां से एंटर करेगी, अंदर जाएगी, फिर क्या हुआ है, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी टेक प्लेस किया, तो वो तो जाएगी किस तरफ, वापसी उस तरफ चली जाएगी रेनड्रॉप से। तो हमेशा सनलाइट की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमारे पास क्या होगा, हमारी रेनड्रॉप जो होगी, और एक तरह से कहें कि इसकी रेनबो की जो फॉर्मेशन है वो उसके अपोजिट काम करेगी। सन यहां था, ये कहां है, ऑब्जर्व कहां हो रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या था, दी वाटर ड्रोपलेट्स एक्ट्स लाइक स्मॉल प्रिज्म। जो वाटर ड्रोपलेट्स थे, अलग अलग जो छोटी छोटी पानी की जो बूंदे थी, वो कैसे बिहेव करेंगी, वो हमारे पास स्मॉल प्रिज्म्स की तरह बिहेव करेंगी, और उनसे ही हमें डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट जो वो देखने को मिलेगा। उसके बाद है, दे रिफ्लेक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, एंड फाइनली रिफ्लेक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेनड्रॉप। फर्स्ट वही सेम काम, सनलाइट आई, टकराई, टकराने के बाद डिस्पर्स किया उसको इंसिडेंट रे को, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहां पर आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिला, और रिफ्लेक्शन देखने के बाद लास्ट में फाइनली जब वो रेनड्रॉप से बाहर निकल करके आई, तो वहां पर भी हमें रिफ्लेक्शन जो है वो देखने को मिला। फाइनली फिर वो कहां पर आ गई थी, इट कम्स आउट ऑफ द रेनड्रॉप। ड्यू टू दिस डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर्स आई। तो इन सभी फिनोमेनाज की वजह से कुल मिलाकर के जो हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो सैंडविच्ड होता है किसके बीच में, दो टाइप का जो रिफ्रैक्शन है, या टू रिफ्रैक्शंस के बीच में हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो क्या रहता है, वो सैंडविच्ड रहता है, ठीक है। मान ले जैसे कि ये आपके पास रिफ्रैक्शन था, ये आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन था, और ये एक ऊपर आपके पास रिफ्रैक्शन था, पहले रिफ्रैक्शन हुआ, फिर उसके बाद में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। तो ये तीन बेसिक से फिनोमिना थे, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि किस ऑर्डर में रहेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये अच्छे से पूरा फिनोमिना समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूसरे बायो के एक चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर के बायो के लेक्चर्स को भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।